हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों देख सकते हो, आज मैं हूँ फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों आज हम जाने वाले हैं फिरोजपुर से कैंट से लुधियाना जंक्शन। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म की ओर। तो दोस्तों देख लो, ये अपना एंट्री पॉइंट फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन का। दोस्तों देख सकते हो, 3 नंबर पर लगी हुई है हमारी ट्रेन। और ट्रेन का टाइम भी देख लो कितना हो गया है, 1:49। और दोस्तों इस ट्रेन से मैंने कई बार ट्रैवल किया और ये ट्रेन अपने कभी राइट टाइम पर नहीं चलती। वैसे इसका राइट टाइम है 1:30 पर, और अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि ये ट्रेन चलेगी 1:50 पर। तो देखते हैं दोस्तों कब चलती है ये ट्रेन। और देख सकते हो दोस्तों फिरोजपुर कैंट में कितनी गर्मी है, देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है मुझे। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ इस ट्रेन का लोकोमोटिव। देख लो दोस्तों हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव। डबल लोकोमोटिव लगे हुए हैं दोस्तों इस ट्रेन में। WDG-40 देख सकते हो दोस्तों हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव। और दोस्तों चलते हैं फिर ट्रेन के अंदर, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर। और दोस्तों ये आई है पतालकोट एक्सप्रेस, और ये आ जाई है फिरोजपुर कैंट लेट। लगभग 2 से 2.5 घंटे लेट। तो चल चुकी है हमारी ट्रेन फिरोजपुर कैंट के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। और देख लो दोस्तों निकल चुकी है हमारी ट्रेन फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से। और सामने देख सकते हो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किस तरह से चल रहा है फिरोजपुर कैंट में। और दोस्तों देख लो सामने वाली लाइन है अपनी जलंधर वाली, और ये निकल जाती है दोस्तों वाया लोहिया खास। बात करें इस ट्रेन के बारे में तो ये ट्रेन दोस्तों फिरोजपुर से डेली चलती है। फिरोजपुर से चलने का रोज़ दोस्तों टाइम है इसका 1:50 पर, और लेकिन ये राइट टाइम नहीं चलती। लेकिन इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता दोस्तों, अगर आपको पता तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों लुधियाना पहुँच जाएगी लगभग 4:35 पर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। फिरोजपुर से 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फिरोजशाह रेलवे स्टेशन पर, और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। चल चुकी है दोस्तों हमारी ट्रेन फिरोजशाह रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों गर्मी देख लो पंजाब में इस समय बहुत ज़्यादा है।
और देख लो दोस्तों, यहाँ पर लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसे कहते हैं असली रेल फैनिंग। आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर अपना एसी वगैरह में इस समय सफ़र कर रहे हैं, और इस समय पता लगता है दोस्तों गर्मी के हालात क्या हैं। देख लो दोस्तों, सामने तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, इतनी गर्मी में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा। और देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह का है हमारी ट्रेन का कोच। साफ सफाई वगैरह अच्छी है, ठीक है, और ट्रेन वैसे खाली है दोस्तों, कोई ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं है इस ट्रेन के अंदर। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अभी तलवंडी रेलवे स्टेशन पर, और देख सकते हो दोस्तों धूप कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो फिरोजपुर से 31 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं तलवंडी रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों सिग्नल हो गया है हमारी ट्रेन का और हॉकिंग भी हो गई है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। और दोस्तों इसका स्टेशन कोड है TWB। दोस्तों फिरोजपुर से 47 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप था। और दोस्तों चल चुकी है हमारी ट्रेन टगरू रेलवे स्टेशन से ऑन टाइम। लगभग मोगा रह गया है यहाँ से बस सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर, तो सीधा मिलते हैं दोस्तों आपको मोगा रेलवे स्टेशन पर ही। और तो दोस्तों देख सकते हो डगरू रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन का कर्व।
दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं मोगा रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हमारी ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों, कुछ इस तरह का है मोगा रेलवे स्टेशन। यहां पर आपको आगे की ओर खाने पीने के लिए पैटीज और चाय वगैरह मिल जाएगी। तो देख लो दोस्तों, चल चुकी है हमारी ट्रेन मोगा रेलवे स्टेशन से और इसका स्टेशन कोड भी है दोस्तों मोगा। तो फिरोजपुर से 71 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अजीतवाला रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। दोस्तों, इसका स्टेशन कोड है AGL और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का ही रेलवे स्टेशन है दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। तो दोस्तों, ये आ चुकी है अपनी लुधियाना से फिरोजपुर के बीच में चलने वाली DMU। यहाँ पर हमारी ट्रेन का क्रॉस था। तो दोस्तों, चल चुकी है हमारी ट्रेन अजीतवाला रेलवे स्टेशन से और यहाँ पर इस ट्रेन का क्रॉस था दोस्तों। दोस्तों, ये था नानक सर रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हमारे ट्रेन का दोस्तों सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप था और ये दोस्तों सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का ही रेलवे स्टेशन है। Thank you.
दोस्तों, फिरोजपुर से 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जगराऊं रेलवे स्टेशन पर, और ये दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है दोस्तों, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉप है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं चक्की मान रेलवे स्टेशन पर, और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है, और इसका स्टेशन कोड है CKM, और ये दोस्तों है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन। फिरोजपुर से 103 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं मुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर, और यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। ये दोस्तों हमारी ट्रेन का 11वां स्टॉप है, और ये दोस्तों सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का ही रेलवे स्टेशन है मुल्लापुर। दोस्तों, इसका स्टेशन कोड है MLX। देख लो दोस्तों, कुछ इस तरह का है प्लेटफॉर्म, और चल चुकी है हमारी ट्रेन मुल्लापुर रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो।
दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन का क्रॉस था, अमृतसर से अजमेर के बीच में चलने वाली ट्रेन। और देख लो दोस्तों हम स्टेशन पर खड़े हैं बद्दी वाला, और हाइट देख लो दोस्तों प्लेटफॉर्म से ट्रेन की। तो मिलते हैं दोस्तों आपको डिपार्चर के टाइम पर। अभी हम पहुंच चुके हैं मॉडल ग्राम रेलवे स्टेशन, और दोस्तों यहां पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है और ये हमारी ट्रेन का लास्ट स्टॉप है, और सीधा मिलते हैं दोस्तों आपको लुधियाना। दोस्तों लुधियाना यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं लुधियाना में, और ये देख सकते हो आप सिंगल वाली लाइन ये आ रही है अपनी धूरी वाली, और देख सकते हो जो पुल के नीचे से आ रही है दोस्तों ये आ रही है अपनी अंबाला वाली लाइन। और दोस्तों देख लो सामने लुधियाना का लोको शेड।
दोस्तों फिरोजपुर से 124 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने लुधियाना जंक्शन पर। और दोस्तों यहां पर इस ट्रेन की जर्नी ख़त्म होती है। दोस्तों बात करें लुधियाना रेलवे स्टेशन की, तो लुधियाना 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहां से दोस्तों बहुत से इंपॉर्टेंट रूट निकलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक अपना धूरी वाला निकलता है रूट और एक अपना अम्बाला वाला और एक लाइन निकल जाएगी दोस्तों अपनी यहाँ से जलंधर वाली और एक निकल जाएगी अपनी लोहिया खास वाली। और दोस्तों एक लाइन वो वाली जिस लाइन से हम आए थे मोगा वाली से। और दोस्तों बात करें ट्रेन की एक्सपीरियंस के बारे में, तो ट्रेन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिरोजपुर से लेट ट्रेन चलाने का रीज़न समझ नहीं आया, अगर आप सबको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों लुधियाना ट्रेन हमारी ऑन टाइम पहुँच गई थी। और दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का।